हे गाइस, अभी आपने जो क्लिप देखी वो मेरे ब्रदर गौरव की थी और मैं मेरे भाई को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सुबह 4 बजे उठा तो मैंने देखा गौरव खराटे ले रहा है, तो मैंने उसका क्लिप बना लिया। लेकिन बाद में जो इसके पीछे मुझे ओरिजिनल बात पता चली, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, दुख हुआ कि ऐसा कुछ गौरव के साथ भी हो सकता है। तो इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊं कि आखिर बात क्या हुई थी। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरा ब्रदर गौरव है और ये हरियाणा से बिलोंग करता है, मतलब हरियाणा रहता है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से ये मेरे पास रहने के लिए आया हुआ है और अब यहाँ पे ये कुछ दिनों बाद स्टडी करवाएगा, मतलब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो स्कूल है उसमें स्टडी करवाएगा और इसके जो एमकॉम बीएड हो चुकी है। के तो गौरव अपने बारे में कुछ बताओ। तो हे गाइस, मैं अब भैया के व्लॉग में डेली दिखूंगा क्योंकि अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। बस कुछ दिन बाद मेरा ऑपरेशन होने के बाद है ना, फिर मैं आपको इसी व्लॉग में, भैया के डेली व्लॉग में दिखूंगा। तो ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि इसके जो खराटे आ रहे थे, पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। खराटे को मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्नोरिंग वगैरह कहते होंगे, ऐसे कुछ कहते हैं। स्नोरिंग तो कहते हैं। हाँ, तो हुआ यूं कि इसके बचपन के अंदर है ना, जो नाक के अंदर कुछ ऐसा चीज फंस चुका था, फंस गया था, शायद खाने की चीज होती है कुछ, जैसे नॉर्मल तिरचा, सुपारी, सुपारी सुपारी। सुपारी कहते हैं उसे। तो इसके नाक में सुपारी फंस गई थी। सुपारी फंसने के बाद में जैसे शायद 1-2 दिन बाद निकली, हाँ, एक दो तो दिन बाद अंदर निकली। ये इसको भी इतना पता नहीं था, फिर छोटा ये था छोटा एकदम। था, इसको पता नहीं था। फिर वो है ना, इसकी वजह से जो इसकी नाक की जो हड्डी है, जो बोन है, वो एस कर्व एस हो चुकी है, एस जैसे कर्व होता है उस तरीके की हो चुकी है। अब क्या है कि अब कुछ दिनों से, दिसंबर से इसके और प्रॉब्लम आ रही थी, उसी वजह से, हड्डी की वजह से ही, जो इसके नाक के पीछे का जो एक मांस होता है वो एक्सेस हो गया है, मतलब है ना, जो टिश्यूज होते हैं वो बढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर को हमने दिखाया, सूरतगढ़ गए थे हम, आपने ब्लॉग देखा होगा अभी, तो उसके अंदर गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, लगभग महीने बाद इसका, गौरव का ऑपरेशन करवाएंगे। हमने अपॉइंटमेंट ले ली है, 1 महीने बाद में गौरव का ऑपरेशन होगा। लगभग 25 से 30 हजार रुपये का खर्चा होगा और गौरव चाहता है कि जो ये स्टडी करवा रहा है, जो ये पढ़ाई करवा रहा है बच्चों को, उसी पैसे से ये अपना जो जो ऑपरेशन का खर्चा उठाए। तो मैं, ये बहुत अच्छी बात है गौरव की। अच्छा, दूसरी बात और बताऊं कि अब जब ऑपरेशन होगा तो उसके अंदर इसके जो नाक की जो हड्डी है और मांस को काट के हटाया जाएगा और हड्डी को सीधा कर दिया जाएगा। इसके लिए 10-15 दिन का रेस्ट जरूरत पड़ेगी, तो वो सारा कोशिश करेंगे आपको व्लॉग के माध्यम से दिखाने का। तो बस छोटा सा, ये छोटा सा व्लॉग था, सोचा आपसे बात करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग के अंदर। तो बने देखते रहिए। हैं हमारी व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करते रहेंगे आपके सामने कुछ अच्छा लेके आए, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।